नोवा स्कोशिया दे हैलीफैक्स तो एक मंदभागी खबर कुछ दिन पहला सामने आई सी, जिस विच गुरसिमरन कौर दी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई सी। उसी इलाके तो ही हुण एक होर खबर सामने आ रही है, जिस विच एक होर पंजाबन कुड़ी जिसका नाम सतिंदर कौर है ते उसकी उम्र 24 साल दी है, उसकी भी मौत हो चुकी है। दरअसल उस दे नाल सड़क हादसा वापरिया, जिस दौरान वह इस दुनिया नू अलविदा गई। किस तरह के नाल उस दे नाल ही भाणा वापरिया ते उस दे नाल कौन कैनेडा दे विच रह रहा सी, इस खबर दे विच जानदे हां। हैलीफैक्स विच वॉलमार्ट विच 19 साल पंजाबन लड़की नाल वापरी घटना दे सदमे विचों लोग अजे बाहर नहीं निकले सन कि उसी इलाके विच एक होर घटना वापर गई। 24 साल सतिंदर कौर की 31 अक्टूबर दिन वीरवार को हैलीफैक्स ट्रांजिट बस नाल टक्कर होने मगरों मौत हो गई, जिस कारण मैरीटाइम सिख भाईचारा सोग की लहर विच है। सतिंदर 3 साल तो अपने पति नाल कैनेडा दे हैलीफैक्स शहर विच रह रही सी। हाल ही विच उसने अपनी पक्की रिहायश यानी PR हासिल की सी, अक्सर ही वह अपने पति नाल गुरद्वारा साहिब जाती हुंदी सी। बलबीर सिंह मैरीटाइम सिख सोसाइटी के सकत्र ने दसिया कि वह सतिंदर नूं कई बार मिले सन। वह उम्मीद कर रहे सन कि वह दिवाली के जश्नों विच हिस्सा लैण लई उस दिन भी गुरु घर विच होवेगी। बलबीर सिंह ने कहा कि सतिंदर की मौत तो बाद उसका परिवार संघर्ष कर रहा है। सिख सोसाइटी ने उसके अंतिम संस्कार लई उसके परिवार की भी मदद की है। उसका पति इत्थे ही कैनेडा विच उसके नाल रह रहा सी अते उसकी भैन टोरंटो तो आ चुकी है। उसका बाकी परिवार भारत तो आवेगा। पति उसकी मौत तो बाद बहुत ही सदमे विच है। दस दिए कि सतिंदर की मौत की खबर हैलीफैक्स विच सिख भाईचारे नूं हिला देण वाली ताज़ा दुखांत खबर है। अजे तो मैंबरस गुरसिमरन कौर की मौत के सोग तो बाहर नहीं निकले सन, तो ना ही उसके अंतिम संस्कार का कोई प्रबंध कर पाए सन। उते ही एक होर दुर्घटना सामने आ गई। इन्ना ही नहीं, अगस्त विच बलबीर सिंह ने एक 26 साल औरत के परिवार लिए सहायता का प्रबंध किया, जदों उसके लापता होने के बाद मृतक होने की खबर पाई गई सी। बलबीर सिंह ने कहा कि 3 मुटियारों की मौत तो बाद भाईचारा सदमे विच है। मैरीटाइम सिख सोसायटी गुरसिमरन कौर और सतिंदर कौर के परिवारों लिए काउंसलिंग प्रदान कर रही है। सोसाइटी ने भाईचारे लिए वाधू वर्कशॉपा सलाह सैशन का भी आयोजन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द TV।